कांग्रेस का भी बयान आपने सुना होगा अभी इससे मैंने काफ़ी पहले, तो इनका बयान ये है कि जो देश की संपत्ति में जो हम सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी किसको बोला जाता है, हमारे मुस्लिम भाइयों को बोला जाता है, मतलब अल्पसंख्यक हैं कोई भी, मैंने लेकिन ज़्यादातर अल्पसंख्यक जो मुस्लिम लोग हैं उनमें मतलब अल्पसंख्यक में आने हैं, प्रायोरिटी देते हैं जितना भी है। तो कहने का मतलब है उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार ये, फिर राहुल गांधी का बयान। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कल जब मैं ये न्यूज पे सुन रहा था, तो जो मोदी जी का बयान था मुझे भी थोड़ा सा हर्ट हुआ, लेकिन आज जब मैं राहुल गांधी का बयान सुना तो मुझे लगा कि मोदी जी ने कहीं कोई गलत नहीं बोला है। कहने का मतलब है आप ये कह रहे हो कि हम देश में सबकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे, ए टू जेड जाँच कराएंगे, और जातियों की संख्या के आधार पे जो जितने में है सबको बराबर बराबर कर देंगे, कोई किसी के पास कम धन किसी के पास ज्यादा धन नहीं होगा, पूरे देश के लोगों के पास बराबर लोगों को कर देंगे। और आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा आप इतने दिन से अपना चैनल चला रहे हैं, एक एक सब्सक्राइबर भैया सब्सक्राइब कर लो भैया कर लो भैया कर लो, यत्न करके आज आप यहां तक पहुंचे हैं, कल को मेरी शुभकामना आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं और आपके पास करोड़ों रुपए आने लगे और राहुल गांधी जी सर्वे कराएं और आपका पैसा जो आपके पास ना रहे और लोगों में बढ़ जाए जिनके पास नहीं है, आपको दर्द नहीं होगा? आज जो भी लोगों के पास है उनकी मेहनत है, उनकी विरासत है, बराबर करना है तो समान शिक्षा व्यवस्था लाइए, समान स्वास्थ्य व्यवस्था लाइए, समान जो है वो क्या कहते हैं लोगों को जो है वो रोजगार मुहैया कराने का काम कीजिए उनके टैलेंट के आधार पर। आप कह रहे हो पैसा बराबर कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने कल बोला। अब एक मिनट खत्म कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ हिंदू घर में जो तमाम महिलाएं हैं जो अपने उनके मंगलसूत्र में ही सोना होता है, उनके कान का झुमका उनका टीका, जैसे उनका मंगलसूत्र है वैसे उनका टीका भी शुभ होता है उनके लिए, उनका जो है ये और ये सारी चीज़ें उनके लिए शुभ है, उनको डाल में दिया जाता है हमारे हिंदू घर में, जब शादी होती है तो उसको बकायदे पूजा पाठ के साथ चढ़ाया जाता है, तो उनका भी वो एक जेवर भी है, उनके लिए शुभ भी है, उनके लिए एक विरासत भी है, एक पैसा भी है, मैंने एक इमरजेंसी धन है। आप कह रहे हो मैं बराबर कर दूंगा, तो ये दूसरी बात खत्म कर दे रहा हूं प्लीज, मैं इसके बाद निकलूंगा। जो रोजगार की बातें हमने किया, तो रोजगार की बातें किया तो मोदी जी आप दिखाइए कहीं ये बोले हो कि हमारे साथ 2 करोड़ सरकारी रोजगार देंगे, 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नहीं होता है, यदि मोदी जी ने बोला हो कि हम सरकारी देंगे नौकरी तब तो ठीक है, उनको देना चाहिए था नहीं दिए, तब मैं मानता हूं मोदी जी ने वादा खिलाफी किया कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और आज लोगों को नहीं दिए, चूंकि डाटा बता रहा है। लेकिन रोजगार का मतलब लोग ना विपक्ष समझ पा रहा है और ना रोजगार का मतलब, एक मिनट रोजगार का मतलब यह होता है पैसा कमाने का अवसर, रोजगार है ना, पैसा कमाने का अवसर। जो 43,000 किलोमीटर हाईवे बने उसमें लोगों को पैसा कमाने का अवसर नहीं मिला। एक मिनट क्या बोले थे?